हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EES सोलर। और फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं जो भी जन सोलर कंपनी का 1050 VA का पेवर साइन वेव इन्वर्टर है ZRI, इसकी हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं जो कि PMW टेक्नोलॉजी पर बेस है। तो फ्रेंड, इसके हम जो भी बहुत ही इस इन्वर्टर का हम डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं, और जो हमारा रिव्यू है वो आपको पता ही होगा कि जो भी कस्टमर होते हैं उनके रिव्यू पे बेस होता है, और उसके बाद आखिर में हम फाइनली अपना एक्सपर्ट रिव्यू देंगे कि आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, और ख़रीदना चाहिए तो क्यों ख़रीदना चाहिए, सब कुछ बहुत डिटेल में बात करेंगे। और ये सबसे सस्ता सोलर इन्वर्टर है। तो फ्रेंड, जो जन सोलर का 1050 VA पेवर साइन वेव इन्वर्टर है ZRI PWM, इसका सबसे पहले हम फ्रेंड प्राइस की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इसका प्राइस रहने वाला है 5,5199 रुपये, मतलब 5200 रुपये, 5200 रुपये आप मान सकते हो। फ्रेंड, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इसमें जो मेंस ऑन, चार्जिंग ऑन, UPS ऑन, बैटरी ऑन और ओवरलोड, ये दिखाएगा इसकी डिस्प्ले पर। और फ्रेंड, ये 2 ईयर की वारंटी के साथ आता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और फ्रेंड, इसमें केवल डिस्प्ले है, इसमें इंडिकेटर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। पीछे की साइड इसमें इंडिकेटर है कुछ, वो पीछे की साइड है, आगे की साइड नहीं है इसमें इन्वर्टर में। 2 साल की वारंटी के साथ आता है ये। और इसका प्राइस 5200 रुपये है। इनपुट वोल्टेज 180 से 260 होगा, और जो आउटपुट करंट है मतलब इसमें 40 एम्पियर का पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी पर बेस सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है इसमें, और ऑटो रीसेट फीचर है। जब भी आपका इन्वर्टर ओवरलोड हो गया, उसके बाद जैसे आप इसको जो ओवरलोड के कारण, जिस लोड के कारण ये ओवरलोड हुआ है, उस लोड को आप डिस्कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक रीसेट होके ये वापस ऑन हो जाएगा। इसका ये मेन फीचर है। और बैटरी फुल चार्ज कट ऑफ, मतलब जो बैटरी फुल चार्ज होते ही कट ऑफ करेगा, वो वोल्टेज है 13.8 वोल्टेज DC। ये वोल्टेज है SMF बैटरी के लिए, और जो टाल ट्यूबलर लेड एसिड बैटरी, इसके लिए 14.4 वोल्टेज DC वोल्ट है। तो फ्रेंड, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और इसकी लेंथ भी दिखाई गई है, 22.1 सेमी इसकी हाइट है, और जो लेंथ है वो 40 सेमी है। और फ्रेंड, जो इसका PWM टेक्नोलॉजी, ये DSP साइन वेव UPS है, LCD डिस्प्ले आपको दिख रही है फ्रेंड, इस प्रकार इसकी डिस्प्ले ग्लो होती है, और जो साइन इस प्रकार दिखता है, ये इन्वर्टर साइन वेव होम UPS DSP टेक्नोलॉजी पर बेस है ये। और यहाँ पे सामने एक पावर ऑन ऑफ का स्विच होता है, साइन ZRI 1100 इसका मॉडल नंबर है, 1050 VA का ये सोलर इन्वर्टर है, सबसे सस्ता सोलर इन्वर्टर है फ्रेंड ये। तो फ्रेंड्स, ये इन्वर्टर हमने इंस्टॉलेशन किया हुआ है, अब हम इसका बहुत ही डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारे फर्स्ट जो भी कस्टमर है इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इन्होंने इसके बारे में कहा है कि वेरी गुड, मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जैसा कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वैसा ही प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है इनके लिए। और फ्रेंड, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, और ये काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, और ये 1000 वाट के लोड इन्होंने इस पर चला के देखा, अच्छे से काम कर रहा है। नेक्स्ट व्यूवर है फ्रेंड, इनका हम देख लेते हैं। जो इन्वर्टर, इसका पावर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है फ्रेंड, इनके साथ देखो क्या प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड, जो सोलर चार्जिंग मोड में होगा ड्यूरिंग डे, मतलब दिन में क्या करेगा, जो हमारा सोलर इन्वर्टर होगा वो बैटरी को चार्ज करेगा, ठीक है, और जो हमारे होम के इक्विपमेंट है उनको सोलर से चलाएगा और बैटरी को भी चार्ज करेगा। जब भी फ्रेंड शाम होगी तो ये सोलर से मेंस ग्रिड पर शिफ्ट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, तो जब तक ये दिन में बैटरी चार्ज करेगा, उसके बाद जब तक आपकी बैटरी खाली नहीं हो जाती, तब तक ये फ्रेंड आपकी बैटरी से आपके घर का लोड चलाएगा। इसके बाद जब आपकी बैटरी बिल्कुल कंप्लीटली ड्रेन हो जाएगी, उसके बाद ग्रिड पावर से ये पूरा घर का लोड चलाएगा, इनकी ये प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड, इनके बाद इनकी ये मेन प्रॉब्लम है, ठीक है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट व्यूवर की देख लेते हैं फ्रेंड। फ्रेंड जो व्यू है गुड डील और इनके लिए फ्रेंड अच्छे से काम कर रहा है और इन्होंने अच्छे से टेस्ट किया है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है इनके लिए। और फ्रेंड जो नेक्स्ट व्यूवर है इनको जो भी सर्विस सेंटर है ये नहीं मिल पा रहा है। जो नेक्स्ट व्यूवर है इनका रिव्यू है कि एक्सीलेंट प्रोडक्ट है, अच्छे से काम कर रहा है, जैसा कि मैनुअल में मैनुअल देख के इनको पूरा समझ में आ गया, अच्छे से इंस्टॉलेशन कर रखा है इन्होंने। और जो नेक्स्ट व्यूवर है इनका है कि पुअर प्रोडक्ट है, जो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है जैसा कि डिस्क्राइब किया गया है, तो इन्होंने वापस रिटर्न कर दिया है। जो नेक्स्ट व्यूवर है इन्होंने आइटम जो भी इनका इन्वर्टर था वो डैमेज आया था, इसके बाद इन्होंने रिप्लेस कर दिया है और इसको इंस्टॉल कर दिया है, ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है इनके लिए। और जो नेक्स्ट व्यूवर है इनको अच्छे इन्वर्टर अच्छा लगा है बट इसका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट व्यूवर है ये बहुत ही खुश है इस इन्वर्टर के साथ, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और जो नेक्स्ट व्यूवर है तो फ्रेंड जो नेक्स्ट व्यूवर है इनका कहना है कि एक्सीलेंट है और जो मैक्सिमम करंट है ओनली 10 एम्पियर है ग्रिड पे, और हायर करंट के लिए इनको सोलर की आवश्यकता होती है। और बहुत ही अच्छा जो नेक्स्ट व्यूवर है इनका कहना है कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छे प्राइस में है। नेक्स्ट व्यूवर है ये 2 मंथ से यूज कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं इनके लिए। और जो नेक्स्ट व्यूवर इनका रिव्यू है कि बहुत ही अच्छा साइन वेव इन्वर्टर है। जो नेक्स्ट व्यूवर इनको डैमेज प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है और जो नेक्स्ट व्यूवर इनका कहना है कि सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट सोलर प्रोडक्ट बताया इन्होंने इनको। और जो नेक्स्ट व्यूवर है फ्रेंड इन्होंने इसको कंपेयर किया है वीगार्ड और ल्यूमिनस से और इनको इसको बेस्ट प्रोडक्ट बताया है। और जो नेक्स्ट व्यूवर है इन्होंने भी बताया कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और सर्विस भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट व्यूवर इन्होंने बताया कि एक्सीलेंट प्रोडक्ट है और जो नेक्स्ट व्यूवर इन्होंने बताया कि वेरी बैड सर्विस है, सर्विस सेंटर फ्रेंड इनको नहीं मिले इनको, इसलिए इनको रिटर्न कर दिया है। तो फ्रेंड ये इसका रिव्यू था, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।